बागे जन्नत से खड़ी देख रही है जहरा, कौन आता है मेरे लाल का फुरसा देने। अब आपके सामने जाकिरुल बैत जनाब हाजी जवार गुलाम शबीर जौहर आफाक में वाला ओ जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। इनके बाद जाकिरुल बैत सैयद जाकरीन कारी अल कसैद जनाब सैयद सजाद हुसैन शाह आप शुमारी सैदा ओ जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। बावाज बुलंद तार सलावात माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ठीक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्म कुन लिवली कल हुज्जत इब्न अल हसन सलवातुक अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िस साअत व फी कुल साअत मिन साअत लैल व नहार वलीयम व हाफिज़म व क़ायदम व नासिरम व दलीलम व इन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन मतमत्तिअहु फीहा तवीला या रब मोहम्मद व आल मोहम्मद व अजल फरज आल मोहम्मद सलवात व आगाज मजलिस से बावाज बुलंद सलवात तिलावत फरमाओ। नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत बावाज बुलंद नारे रिसालत नारे हैदरी ऊंचा नाम मुर्शिद जाओ हैदरी हुसैनियत जिंदाबाद हुसैनियत जिंदाबाद यजीदियत मुर्दाबाद अहल बैत दे हर दुश्मन व कातिल ते लानत पर अजमत सैयदा सलामुल्लाह अलैहा सलवात ऊंची। दुआए मारक अल्लाह तोरा एक कदम तुरा कबूल व मंजूर फरमावे। बानियान मजालिस मिन जुमला मोमिनीन कराम दी साई मेहनत अपने बारगाह कबूल व मंजूर हुए। इस जिक्र दे सदके मालिक अल्लाह जितने बानियान दे मरहूमीन टुर गए उन्होंने बुलंदी दर्जात हुए। हाजरीन मजलिस दे मालिक गुनाह माफ फरमा जिक्र दे वारिस तजल जहूर फरमा और बादशाह दे जहूर तो पहले मालिक अल्लाह सन इस काबिल बना के बादशाह दी जियारत करिए ते अखा अदब तो झुकन शर्म तो ना झुकन। मालिक जितने बीमार हैं उन्हें शिफे कुली अता फरमा उस बीमार दी बेमियाद बीमारी दा सदका इनकी जिंदगी मुक गई ते बीमारी ना मुकी। जिन्होंने सके बेटे मोहम्मद बाकर अलैह सलाम फरमाया बाबा मैं कफन देना ते रंग बदल वेंदे कफन च रत नारो तड़प वेंदा सजाद इमाम फरमेंदा ए मना करना तेरा हक नहीं बनदा वो वेला भूलदा है जिथे माँ बह के टुरदी आई। अल्लाह तो रिहाई कबूल करे। मालिक अल्लाह जितने बे औलाद मातमी हैं उन्होंने हयाती अले फरजंदा नाल आबाद ते शाद फरमा उस बीबी दी बर्बाद झोली दा वास्ता मेरा करीम अल्लाह जैंदा एक हाँ एक दिन नहीं त्राय वारी कुठ है माँ चुप करके डिठे जेरी बीबी मिट्टी ते हाथ मार के यो को जा दी रही मेरे सईदा नाल सांगे मुक गए। अल्लाह जितने बेगुनाह कैदी कैद ने बहेंदे पैन उन्हें रिहाई दी खबर सुना उस कैदी दी बेमियाद कैद का वास्ता जेंदे पुत्र उन्नियां जनाजा मजदूर चाहे। बिस्मिल्लाह हुसैन मजलूम दे दुखां दा सदका मालिक हर अजादार नू दुनियावी दुखां तो महफूज फरमा।
इन सारिया दुआवां की कबूलियत एक सलवात बाबा ज़िबलान सैयदादा तशरीफ फरमायन। चूंकि थोड़ी जी मजलिस लेट शुरू हुई है, मैं उन्होंने तुहाड़े दरम्यान ज्यादा हायली ना होवां। चूंकि असी हर वेले दे दुआ गुआ वतन है घर है, मजलूम का जिक्र कयामत तई जारी रहना है। कहीं पढ़ने वाले टुर गए, कहीं सुनने वाले टुर गए, इस जिक्र कयामत तई रहना है। उसकी वजह है जो हुसैन का खर्चा बहुत ज्यादा है। एक सलवात एरी वरी पढ़ो जितना घर वड्डे। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات الحمد لله الذي نورا قلوبنا بولاية آل محمد صلوات والصلاه والسلام على من كان نبيا آدم بين الماء والتين وجي صلوات صاحب تاج والمهراج والبراق والعلم سيدنا وشفينا وطبيب قلوبنا احمد المصطفى وجي صلوات زينة المسجد والمنبر ساقي الحوض والكوثر فاتح الهدى والبدر والهنين والبير العالم ابي الحسن والحسين سيد الاولياء امام الهدى علي بن ابي طالب ناري حيدري والصلاة والسلام على حسن المسموم والعلى حسين الغريب मैं सदके होवा मजबूर मकतूल फैल अर्ज करबला भैना वह दिया रही है मैं प्याला कायनात दी कोला हम गुरबात दा ते है दूजा समझाए सा बाबे दा जख्मी सी नहीं पता था कितना रोवना है। बाबा सजाद शाह वत करे दी क्या है मिन्नत कर क्या दिए सजाद बिरा मैं मर वंजनी ते जदा लग सिया बाहर सफीना मिन्नत कर क्या दिए तू निशान मिटावे कबर मैं दीदा मताया वे शिमेर आगाज मजले से डी पे चढ़ दे मैं इतफाकन हुसैन दी तस्सीदी दे दोक्षा जी शुरू कर खड़ा सजाद बिरा मैं मार वज नहीं ते जदा लग सिया बाहर सफीना मिन्नत कर क्या दिए तू निशान मिटावे एडी तो डरी हुई हाई ना
तू निशान मिटावे कबार मैदी दा मता आवे शिमेर। अल्लाह तो आबाद रखे। अल्लाह हुसैन दे सांगे तुन कहदा मोहताज ना बना। बड़े सियाणे ते कदरदान अजदार बाबा तुसी चुने हुए लोग कायनात च केड़ा बंदा जेड़ा काम कार तू फारेगे बोलो। लोगों को इतना टाइम ही नहीं मिलता। फकत कौम शी है जेड़ा चाहते घर बार लुट जाए काम रह जाए लेकिन हुसैन का जिक्र सुनना नहीं चढ़ता पिया है ते रात दिया मेहमान इन अली दिया धिया। ये आखिर जुमले नहीं हकीकत जिन्हों का अकीदा ठीक है जिंद नौ कुठन तो रोवानी कह नहीं दिता। ओ जा फिरा द सत्थर तलाश करके आ दिए तेरे जीवन। पहली सत्थर मुसीबत दी साढ़े चार साल दस भाई अलग बख्श जदा दी दुनिया ते आई है सुख नहीं दिता दुख ढेर है। पीर सजाद तुहारा तारीख नाल प्यार है इस मुअज़मा दा एक लकब है दुखां ते दर्दां दी किताब हुसैन दी तस्दी। मैं तो फकीर जिहा बंदा मैं कोई आलम जाकर तो नहीं मैं तो बीबी दे बूए दा मिरासी हाँ। इस बीबी दा लकब है दुखां ते दर्दां दी किताब। ओ मैं सदके हो जावा उम्मल हुज़न यानी रोवण वाला कोठा ऊं दी भी मां। मैं सदके हो जावा दुख सौ डिठे भाई ताले मुर बर्दाश्त बड़े कीते कई एक धी भी खा जाता बाबा मरींदा प्यो है ते प्यो दे कातिल दे अगे हाथ बांध के आखे ना मारे हुणे आपे मर वैसे। हिक्का सकीना सलामुल्लाह अलैहा हुसैन दी तस्दी जी अपने प्यो दे बेदर्द कातल मिन्नत करें दे रही ना मार इन अकबर दी मौत खा गई ए हुणे आपे मर वैसे। मैं बहुत मुख्तसर करके अल्लाह तेरा भला करे अल्लाह तेरा भला करे। ए मोमना मवालियां दे जज्बात ने मरी भी तो इतना है मैं लुकाई खड़ा जो सैयद मौजूद है एक बारी हरामी वाला चुपकड़ के हटाई है दे नेड़े नहीं आई मुंह उदाई कीते जिदे अब्बास दे कटे बाज़ सद कुमार कहंदे अब्बास चाचा मैं कल ही पई मरेंदी हां। अल्लाह तेरा भला करे अल्लाह तेरा पुरसा कबूल फरमावे हुसैन दे आज़ादार कयामत तई जोग जीवन। बाबे को कुस्ता डिठेस सारिया बीबियां तू पहले कड़ियां पाईस जेल सजाद कल्या बह रात रुना है ना ते फरमाया क्यों रोने आवाज आंदे भेणे लोहे दे जेवर ओ भिरा मरा के ओ बैठिया जिन्हां दी मां दा जनाजा रात नूं चमिया। मैं पहले केनू पिमावा उसे ले निके निके हाथ वधा के दे तू न रोज कोई चोखे बच गयो पहले मैंने पवा सब तू पहले भाई कासिम मेरी सैन ने कड़ियां पाईया। आओ किबला मेरे बाद दो सैयद सरदार मौजूद हैं बाबा सजाद शाह शुमारी और पीर मजहर हुसैन शाह मेरे दुए उस्तादां दे जा नहायत ही वाजिबुल कदर है। वत अकबर दी बरात नाल बिन पलान उठा ते चढ़ के तुर पई मर रेख भई। मैं थोड़ा जहा होर मुख्तसर करे ना कोई जो बाजार वे तो नाल छोटे छोटे बाल होवन मैं कोई इतना तो दस रश वध पवे बाजार च रश वध पवे वड्डे छोटे तसलियां दे सन या छोटे वड्डियां नूं तसलियां बोलो। थोड़ा जेन मेरे नाल हो सी तो थोड़ा मेरे राबता रासी वड्डे दे सन तसली। पहला मौका है जदा बाजार शाम च इतना रश वध्या इसमत दे माहौल दे पल्ले परदादार कदी उस दीवार
ਉੱਥੇ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਰੁਖ ਸਾਰੇ ਸਜਦਾ ਹੋਏ ਜ਼ਖਮੀ। ਉੱਥੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਸਜਾ ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਹਿੱਕੇ ਜਾ ਤੇ ਘਬਰਾਈਏ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ, ਹਿੱਕੇ ਜਾ ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਹ ਮਾਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸਨੂੰ ਵੀ, ਚੂੰਕਿ ਸੌੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਈ, ਰਸ਼ ਢੇਰ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਸਬਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਫਿਰਾ ਦੇ ਗਿਆ ਬੱਧੇ ਅਤੇ ਨਾ ਰੋ ਹੀ ਪਈਏ। ਸੱਯਦ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇਵਨ ਇੰਜ ਰੋ ਕੇ ਹੱਥ ਬੰਦ ਕਹਿੰਦੀ, ਸਜਾਦ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਆਸ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਪੂਰ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਸਹਾਰਾ, ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਬੈਣ ਦੇ ਚੁੰਮ ਕੇ ਸਜਾਦਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰ, ਹੇਠਾਂ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਿਓ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਆਖ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਨਾ ਮਾਰੇ। ਸਜਾਦ ਮੇਰਾ ਗੋਸ਼ਤ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ, ਸਜਾਦ ਇਸ ਹਰਾਮੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਬਹੁ ਮਾਰੇ। ਬਸ ਸਰਦਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਦੀ ਛੱਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚਾਚਾ ਤਾਲਿਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੇਲ ਆਈ, ਕਿਆਮਤ ਆ ਵੰਜੇ ਆਈ, ਚੰਗੀ ਆਈ ਜ਼ਮੀਨ ਫਟ ਗਈ ਹੋਵੇ ਆ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਆਈ ਜਦੋਂ ਬਿਰਾਦ ਕੋਲ ਨਿਮਾਣੀ ਆਖੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਪਈ, ਹੈ ਸਜਾਦ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਕਦਣ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਅੱਲਾ ਤੋਰਾ ਯਾਰ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਬੜਾ ਸੋਹਣੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਆਗਾਜ਼ ਮਜਲਿਸ ਸਾ, ਸ਼ਾਮ ਕਦਣ ਦਾ ਮੁਲਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਿਆ ਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਯਾਫਿਸ ਬਿਨ ਨੂਹ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ। ਅਗਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪਏ ਜਾ ਫਿਰ ਕੀਤੇ, ਹੈ ਸਜਾਦ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਲਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਸੀ ਤੇ ਹੈ ਨਿਕਲ ਸੀ, ਕਈ ਵਲਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਈ ਵਲਦੇ ਨ, ਕਈ ਥਾਈਂ ਟਿਕ ਪਾਉਂਦੇ ਨ। ਦੂਆ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਹੈ ਸਜਾਦ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਘੁਲਦੀ? ਫਰਮਾਇਆ ਘੁਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸਾਂ ਕੈਦ ਆ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਬੁਲੰਦ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਹੈ ਸਜਾਦ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸਾਂ ਕੈਦ ਆਈ ਦੀ ਛੱਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੈ ਸਜਾਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮਰ ਵੰਜੇ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨੈਂਦੇ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣ? ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਨਾਨੇ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕਹਿੰਦੀ, ਹੈ ਸਜਾਦੇ ਤਾਂ ਨਾਨੇ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ। ਕੋਈ ਮੁਸਾਫਿਰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਮਰ ਵੰਜੇ, ਪਰਦੇਸ 'ਚ ਮਰ ਵੰਜੇ, ਉਹਦਾ ਵਾਰਿਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਮਈਅਤ ਅਮਾਨਤ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸਜਾਦ ਬਾਕਰ ਜੀ ਵੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਮਰ ਹੀ ਵੰਜਾਂ, ਮੇਰਾ ਮਈਅਤ ਅਮਾਨਤ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਆਖਿਰ ਤੇਰੀਆਂ ਕੈਦਾਂ ਛੁੱਟਣੀਆਂ, ਜਦਾਂ ਤੇਰੀ ਕੈਦ ਛੁੱਟੇ ਮੇਰੀ ਜਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਰਬਾਬ ਦੇ ਮਹਿਮਲ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਚਪੱਟੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਖਮੀ ਜਨਾਜ਼ਾ ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿਮਲੇ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਹੈ ਸਜਾਦ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਬਰਾਂ ਬਣ ਨਾ ਗਈ ਹੁਸਨ ਕਰਬਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਸਜਾਦ ਆਉਂਦੇ, ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦੋਹਾਂ ਬਿਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਹੋਵਨ, ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਮੇਰੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕਬਰ ਬਣਾਵੇਂ। ਸਜਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਰੇ ਸੀ? ਬੀਬੀ ਆਉਂਦੀ, ਸੱਜੇ ਕਰਵਟ ਬਦਲ ਕੇ ਅਕਬਰ ਦਾ ਸੀਨਾ ਚੁਵੇਂ ਸਾਂ। ਖੱਬੇ ਬਿਰਾ ਦਾ ਗਲਾ ਬਸ ਖਤਮ ਪੜਾਈ, ਇੱਥੋਂ ਵਹਿਣੇ। ਸਜਾਦ ਆਉਂਦੇ, ਇਹਦੇ ਦੁੱਖੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰ। ਬੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬਖਸ਼ੋ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਈ ਆਈ, ਪੱਖੂਆਂ ਦਾ ਡਾਰ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਪੱਖੀ ਸਜਾਦ ਕਿਤੇ ਪਏ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਾਕਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੇ, ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਤੇ ਇਤਨੀਆਂ ਜੋ ਭੈਣ ਬਿਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਰਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦੀਗਰ ਢਲ ਪਈ, ਅਤੇ ਪੱਖੂ ਵਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਲੇ ਦਾਮਾ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਹੁਣ ਬਾਕਰ ਦੀ ਵੀ ਦੱਸ ਪੱਖੂ ਕਿਤੇ ਪਏ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੇ, ਹੁਣ ਵਤਨਾ 'ਤੇ ਗੱਲ 'ਚ ਮੈਂ ਫੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਜਾਦ ਪੱਖੂਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਯਾਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਦੁੱਖੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛ, ਫਿਰਾ ਮੌਤ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮਰ ਵੈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਫਰਮਾਏ ਸਵਾਲ ਨਾ ਦੱਸਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਤਨੀ ਦੱਸਾ ਮੈਨੂੰ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਪਿਆਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿੱਦਤਾਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਕਦਰ ਦਾ ਲੋ ਸਜਾਦਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਵਕਤ ਦਾ ਇਮਾਮ ਆ, ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਤ੍ਰੈ ਸ਼ਿੱਦਤਾਂ ਪਿਆਸ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
नहीं पता सुबह दवेला है कितने बंदिया दी आए निकलनी है। मैं तो ड्यूटी समझ गया दा खड़ा करे ना अल्लाह खड़ा जान दे गालेज भाई पा गया दिए बाकर जीवी केड़ी केड़ी आवाज दे पहली प्यार दी शिद्दत इंसान पानी न मिले मुंह खोलवे मुठा बंद होवे दी निगे निगे हाथ बन गया दिए सजा दे दे मतलब मेरा असगर पहली मंजिल ते आई मातम कबूल होवे अपने दुखा ते न कुलावे डेढ़ मिनट मेरे रेख मैं सरदारा नु मिंबर दे ज्यादा पड़ गया अगली आवाज प्याद इस तू अगली मंजिल प्यास दी अगर पानी ना मिले सजाद हेठ मुंह करके आदे सकीना व तू बंदा बेहोश हो वेंदे वतन आले ओ गल बाई गुट के आदि सजाद दे मतलब तू तू ही मंजिल ते है जड़े वाले मया क्या खाया खोल भैर दादा जो शिमर जागी शर्म न करना अल्लाह माल भाई आवाज आंदा आखरी मंजिल फरमाए ना पूछ मां तू पहले मर वैसे आवाज आंदा न रुआज मरनो आऊं एले मर गयो आज दा हरामी पंजवी जरा मारी खंजर जमीन ते सटिया ते मैनू आदा साड चाचा अब्बास शर्म न कर ना आवाज आंदे नहीं दस आखरी शिद्दत में सत्तर आखरी पे पढ़दा उसले सजा आंदे सकीना आखरी प्यार दी शिद्दत दी मंजले इत्थू ताई पानी न मिले इंसान दिया हड्डिया गोश्त तो छोड़ दे दिए चाहिया कुरान सुबह दवेले तेनु हाथ रख देना सजा दे सामने बाबा जी पहला बटर खोले हाथ वदा क्या दिए वे मेरी हड्डिया गोश्त तो छोड़ दिते आवाज आंदा सजाद मैनू शाम खा गई है आवाज आंदा सजाद मैनू बाबा लवण करवट बदलते थे तो दुख जाते थे कान करवट बदलते थे तो दुख जाते थे कान जब तक जिंदा रहे सोने से घबराते रहे। अब आपके सामने सैयद जाकरीन कारियल कसैद जनाब से सज्जाद हसन शाह शुमारी और जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमा रहे हैं बाबा ज़े बुलंद तार सलावात अस्सलामु अलैकुम।